क्वेश्चन है 6 + 6 / 3 फैक्टोरियल, इसका कितना आंसर आएगा? इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सबसे पहले हम 3 फैक्टोरियल को समझेंगे। अब 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 फैक्टोरियल इसको कैसे हल किया जाता है? इसको 3 × 2 × 1 इक्वल टू 6, जिस संख्या का फैक्टोरियल दे रखा है उसको वापस 1 तक ले जा करके सभी अंकों को गुणा करना पड़ता है। जैसे 4 फैक्टोरियल है, इसको क्या लिखा जाएगा? 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल टू 24। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे तो क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी जिस संख्या का फैक्टोरियल दे रखा है उसको वापस 1 तक जा करके और उसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, वो उसका फैक्टोरियल हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा? 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 6 + 6 / 3 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा? 6। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास का प्रयोग करना पड़ेगा। बोर्ड मास B4 ब्रैकेट O ऑफ D डिवाइड M मल्टीप्लाई A एडिशन S सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई और फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो इसमें न ही तो अपने पास ब्रैकेट है, न ही अपने पास ऑफ है, तो क्या है अपने पास? पहले अब डिवाइड। तो डिवाइड को सोल्व करेंगे, डिवाइड के निशान को, तो 6 ये एज इट इज प्लस, अब 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1, और इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 7। तो कौन सा आंसर सही है इसका? B आंसर सही है।